फाइनली महिंद्रा ने 4x2 थार को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इससे काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनके लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी। अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट है तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर होगी। तो लुक्स में आपको दोनों ही गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस देखने को नजर नहीं आएगा, बस एक माइनर सा डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, 4x4 थार में आपको 4x4 की बैजिंग यहां पे मिल जाएगी जबकि 4x2 में ऐसी कोई बैजिंग नहीं मिलेगी। बात करें इंजन ऑप्शंस की तो 4x2 में हमको एक इंजन ऑप्शन दिया गया है डीजल में जो कि है 1.5 लीटर का। इसमें पेट्रोल में भी एक इंजन आता है 2 लीटर का और ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल रहेगी, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। बात करें डीजल इंजन की तो 9,99,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 117 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क। वहीं बात करें पेट्रोल इंजन की तो इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा गया है, 13,49,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाएगा एक्स शोरूम। 4x2 और 4x4 में हमको 6-7 लाख रुपए का डिफरेंस इजीली देखने को मिल जाएगा। अब जिनको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है उनके लिए तो 4x4 ऑप्शन ही बेस्ट है, बट जो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए इसको यूज करना चाहते हैं सिटी में और कभी कभार किसी खराब रस्तों पे से उनको गुजरना पड़े तो उनके लिए 4x2 का ऑप्शन भी बेस्ट है। बात करें कैपेबिलिटीज की तो ऐसा नहीं है कि 4x2 थार बिल्कुल ही बेकार है, आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है और ये वो सारे काम कर सकती है जो 4x4 करेगी। तो नॉर्मल यूज के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप 4x2 का ऑप्शन ही लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए।